नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द ऑथरिंग पर। चलिए नज़र डालते हैं इस हफ्ते के कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगल गिरफ्तार हुए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सिंगल को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। जोई बिदेन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा अमेरिका और इंडिया साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। पीएम मोदी ने टोक्यो जापान में क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। 2024 के चुनावों को नजरिए में रखकर कांग्रेस ने 3 कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड में लगेगा आम आदमी पार्टी को झटका, आपके सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोटिहार, कर सकते हैं बीजेपी को शामिल। हेमंत सोरेन पर सीबीआई जांच की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ने के दिए संकेत, आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होने गए हैं राहुल गांधी। लंदन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूक्रेन में जो हो रहा है वैसे ही होगा लद्दाख की स्थिति। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल हुए साथ। राज्यसभा चुनाव के लिए कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की तौर से भरा नामांकन। यासिन मलिक को आज मिलेगी सजा, आतंकवादी हमले कराने का आरोप था उन पर। पंजाब में मान सरकार का सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान, नौकरी लेने के लिए पंजाबी होना जरूरी। कांग्रेस के नेता कार्तिक चिदंबरम फंसे वीजा घोटाले में, ईडी ने किया मनी लॉन्ड्री का केस। मोदी सरकार ने 1 जून से चीनी निर्यात पर लगाई पाबंदी, शुगर स्टॉक में गिरावट। बिहार में बीजेपी की मुश्किल बढ़ी, एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी हो सकते हैं साथ। कांग्रेस से दूरी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर रॉय। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जल्द सुलझेगा असम अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर विवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और भी राजनीतिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द ऑथरिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।